राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत अजमेर द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 4 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार के द्वारा जारी किया गया जन घोषणा पत्र को अनेक खामियों भरा बताते हुए कहा कि इसमें दर्शाई गई ओल्ड पेंशन स्कीम में अभी तक कई खामियां हैं। साथ ही पेज नंबर 157 जिसके ऊपर यह दर्शाया गया है कि कर्मचारियों को हमने ये पूर्ति करी है, यह उनकी मांगें पूरी अभी तक नहीं हुई हैं, उसका विरोध भी महासंघ द्वारा दर्ज कराया जा रहा है। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि गहलोत सरकार कर्मचारियों की नाराजगी अभी तक दूर नहीं कर पाई है। यदि सरकार कर्मचारी वर्ग की मांगे पूरी नहीं करेगी तो कर्मचारी वर्ग 2023 के चुनाव में सरकार का विरोध करेगा। सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर जो राजस्थान सरकार ने जन घोषणा पत्र की क्रियान्विति रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसका आज कर्मचारी संघों ने अवलोकन किया है। पेज नंबर 157 के ऊपर कर्मचारी पेंशन कल्याण के अंदर ये दर्शाया गया है कि सरकार ने जो कर्मचारी है उनको 2014 के बाद जो ओपीएस लागू करी है पुरानी पेंशन, लेकिन आप देख लीजिए कि पुरानी पेंशन पद्धति जो लागू करी है उसके अंदर खामियां हैं। जिन कर्मचारियों ने उसका पैसा निकाल लिया है उसके लिए इसमें किसी प्रकार के सरकार के दिशा निर्देश नहीं है कि उनको ओपीएस का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा ये भी है कि उनका जो जीपीएफ खाते जो होने चाहिए कि कर्मचारी कैसे उसमें से पैसा निकालेगा, सरकार ने आज तक उसके लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रखा है। उसके अलावा कल पूरे राजस्थान में कर्मचारी महासंघ एकीकरण ने ज्ञापन दिए थे, उसमें 21 सूत्री मांग पत्र थे। इस जन घोषणा पत्र में उनका कोई भी जिक्र नहीं है। डीसी सामन कमेटी की रिपोर्ट का खुलासा जन घोषणा पत्र में नहीं किया सरकार ने। खेमराज कमेटी का जो है खुलासा सरकार ने इस जन घोषणा पत्र में नहीं किया है। बीडी कल्ला की जो संविदा रिपोर्ट है उसका इसमें उन्होंने किसी प्रकार का खुलासा नहीं किया है। वेतन विसंगतियां जो खेमराज कमेटी बनी उसका इसमें किसी प्रकार का खुलासा नहीं किया है। तो ये केवल कर्मचारियों को भ्रम पैदा किया जा रहा है। और गहलोत सरकार से हमने मांग करी है कि बजट सत्र के पूर्व यदि कर्मचारी महासंघों से बुला के वो वार्ता नहीं करते हैं तो आने वाले चुनाव में कर्मचारी अपना आक्रोश विधानसभा चुनाव में इस गहलोत सरकार को दिखाएगा। और सरकार जो ख्वाब देख रही है कि 2023 के अंदर, मैं रिपीट करूंगा, मानते हैं सरकार ने 2-3 काम बहुत अच्छे किए हैं, ओपीएस लागू कर दी लेकिन उसमें खामियां हैं, आरजीएसएस लागू कर दी, आरजीएचएस 10 लाख तक का जो उन्होंने इलाज फ्री किया वो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो कर्मचारी वर्ग है वो अभी तक भी उसकी नाराजगी कर्मचारी वर्ग की गहलोत साहब ने दूर नहीं करी है। चुनाव के अंदर अगर सरकार अगर कर्मचारियों के वादे पूरे नहीं करेगी तो कर्मचारी तो अपना रोष दिखाएगा ही दिखाएगा। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में भी रह गया 1 वर्ष से कम समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 1 दिसंबर से जयपुर संभाग, रोजाना 2 विधानसभा, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से लगता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। प्रारंभ कर रहे हैं हम अब जयपुर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।